आईफोन में चार्जिंग सर्किट लगाया जा रहा है, कमाल है दुनिया, इतनी जुगाड़। एक आईसी लगाना निकालना सीख लेते, हाँ सर्किट नहीं बनाओ तो कम से कम टायर पंचर बनाने वाले तो बन जाते। लाओ आईसी निकालो लगाओ, नया लाओ आईसी निकालो लगाओ, तो इतना गेलापन, एक पूरे आईफोन की बर्बादी क्यों भैया, मत करो प्लीज यार। ड्राइवर एक ड्राइवर सर्किट लगाया जाता था, या तो हम बात करें एक NTC, मतलब आप इसके साथ में एक रजिस्टर्ड को पैलेट करते थे, नहीं करता तो करिएगा अगर मान लीजिए इनकेस अगर आप यूज भी कर रहे हो, सो प्लीज मत करना, कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक NTC लगाइए दोस्तों। जब भी ऐसे जिनर डायोड लगाते थे और बहुत सारे जिनर डायोड ऐसे टाइम पे गर्म हो जाते थे और उसके जो तार है वो जल जाते थे, क्यों अब लोगों को यही नहीं पता है, तो लोग कहते थे कि भैया इजी चार्जिंग चिप आ गया है मार्केट में, अब इसको लगाओ। इजी चार्जिंग चिप दोस्तों क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन सर्किट के साथ आ रहा है, वोल्ट का लो फलाने वोल्ट का लो, और इतने वोल्ट का लगा के एक बी बैट पर लगा दो और एक बी बस पर लगा दो और आपका चार्जिंग हो जाएगा। और बिल्कुल होता भी था, दिखाते भी थे, सब करते भी थे, पर मेरे भाई ये जो गेलापन था ये पहले काल में भी चलता था, आज भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा प्लीज कस्टमर के फोनों पर ये प्रयोग हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग, फिर वही जोश के साथ एक नया वीडियो फिर से। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ भरा हुआ है, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लेना, और ये नॉलेज गेन करने के लिए ही है, कुछ नया टॉपिक हटके। इस बार मैं अपने फोल्डर्स चेक कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे फोल्डर्स में कुछ ऐसे फ़ोटोज़ भी डले हुए हैं जो पहले कुछ सालों पहले यूज़ होते थे, हम अपने स्टूडेंट को भी लाते थे, देते थे और भाई ये यूज़ करो, बट अब देखा जाए तो अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो चिप लेवल पे इतना ज़्यादा लोग घुस गए हैं कि अब वो हर ट्रैक को खोद खोद कर बना रहे हैं माइक्रो लेवल पे, माइक्रो जंपिंग करके ICO को भले ही ड्रिल करो या ICO को रिवॉल्व करो या कुछ भी करो, सर सर्किट बनना चाहिए पर नॉलेज के साथ। दोस्तों ये होता था इजी चिप चार्जिंग। इजी चिप चार्जिंग का मतलब ये होता था कि जब आप याद करो, जब पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि हम जब सर्किट बनाते थे और सर्किट बनाने में जब हमको हम तो अच्छे से बनाते थे, हम पूरा IC लगा के बनाते थे, पर कुछ लोग आज भी चार्जिंग वार्जिंग बनाना चाहते हैं और उनको चार्जिंग ICO का नॉलेज नहीं है या IC निकालते नहीं है, तो आज भी बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि भैया एक डायोड लो, और एक कौन सा डायोड लो जनर डायोड, एक जनर डायोड लो, और जनर डायोड कितने वोल्ट का लो, 5 वोल्ट का लो, फलाने वोल्ट का लो, और इतने वोल्ट का लगा के एक बी बैट पर लगा दो और एक बी बस पर लगा दो और आपका चार्जिंग हो जाएगा। और बिल्कुल होता भी था, दिखाते भी थे, सब करते भी थे, पर मेरे भाई ये जो गेलापन था ये पहले काल में भी चलता था, आज भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा प्लीज़ कस्टमर के फ़ोनों पर ये प्रयोग ना करें, ये सब टेक्नोलॉजी के विरुद्ध है, ये जुगाड़ नहीं है, आप अपने खुद के साथ मतलब गला घोटने वाला काम कर रहे हो सर्किट का, प्लीज़ मत करो, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेक्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है वो देना पड़ता है। आजकल तो बैटरी सेंस सर्किट आ गया है, चार्जिंग सेंस सर्किट है, एम्पियर नहीं लेगा, तो बहुत कुछ है। और तो पहले ये होता था कि लोग बोलते थे चलो ठीक है, ये सब की बातें नहीं करूँगा, मैं ये ज़रूर बातें करूँगा, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे सीखना है और ये सब काम नहीं करना है और रियलिटी में काम करना है, चार्जिंग को पहचानना है, और चार्जिंग के 10 नहीं मैं 20 ऐसे पॉइंट बता सकता हूँ एक IC के 20 पॉइंट जो आपको ये बताए उस 20 पॉइंट से कि कब चार्जिंग आपकी नहीं होगी, होगी आपका फेंक जाएगी, आपका जो सेंस नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ऑटो चार्ज प्लग इन प्लग आउट, बहुत सारे एरर्स भी आपको बता सकता हूँ, बट ये सब बताऊँगा क्लास में, उसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं दूंगा 4 दिन बिल्कुल फ्री, आप आइए पढ़िए और उसके बाद लगेगा तो फिर आप बैठिएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल अपने पैसे लेके जा सकते हैं, और उसके लिए आप अगले महीने की सीट बुक कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं। दोस्तों जब भी ऐसे जिनर डायोड लगाते थे और बहुत सारे जिनर डायोड ऐसे टाइम पे गर्म हो जाते थे और उसके जो तार हैं वो जल जाते थे, क्यों अब लोगों को यही नहीं पता है, तो लोग कहते थे कि भैया इजी चार्जिंग चिप आ गया है मार्केट में, अब इसको लगाओ। इजी चार्जिंग चिप दोस्तों क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन सर्किट के साथ आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इसको मतलब एक सिक्योर बनाया गया है, और ये कहते थे कि भैया ये डायोड लगाओगे सच्चा ये है 100 रुपये या इससे भी कम का या जितने रुपये का भी आता था वो परचेस करो, इसका एक सिरा इन होता था
और एक सिरा आउट होता था और एक कॉमन होता था ग्राउंड, जो कि दोनों ग्राउंड में लग जाता था और इस तरह से आप सर्किट को लगा दो और उसको चलाओ। सो क्या अब ये कहाँ है मार्केट में? तो बिल्कुल गुम ही हो गया है ये, अभी भी लोग इसको बेच रहे हैं। सो मुझे नहीं पता, पर अगर लोग इसको बेच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करें। अपने सर्किट को बनाइए, सीखिए अच्छे से, क्योंकि ये बनाने से और ये डालने से आप अपने सर्किट की सत्यानाश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रोटेक्शन सर्किट को आप हार्मफुल, मतलब उसको हार्म दे रहे हैं। आप अपने प्रोटेक्शन सर्किट को बिगाड़ रहे हैं और अपने कस्टमर के फोन को डेड कर रहे हैं। तो ये जो इजी चार्जिंग चिप था दोस्तों, आप नोटिस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से कुछ यूज़ होता था। आइए, अगर मान लो अगर कोई यूज़ भी करना चाहता है तो चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही। तो इजी चार्जिंग चिप का क्या यूज़ था दोस्तों, एक इसमें जो होता था, एक इसमें बैटरी का बी बैड यूज़ होता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक इसमें बी बस का यूज़ होता था, ठीक है। और अब बात करेंगे दोस्तों ग्राउंड की, तो एक इसमें ये ग्राउंड होता था। सो ये तीन पॉइंट इसमें होते थे। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको आउटपुट, मतलब ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है और ये कॉमन ग्राउंड है, ठीक है। अब नोटिस करना दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के साथ में एक ड्राइवर सर्किट लगाया जाता था, या तो हम बात करें एक NTC, मतलब आप इसके साथ में एक रजिस्टर्ड को पैरेलल करते थे। नहीं करता तो करिएगा, अगर मान लीजिए इनकेस अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, सो प्लीज़ मत करना, कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक NTC लगाइए 100K का, और ये NTC 10K का। देखो यहाँ पर कितना क्या लिखा हुआ है, 10K का NTC। अरे यार बस कर लो यार, दुनिया इतनी कैसे बेरहम हो तुम, 10K का NTC। सो 100K का NTC लगाइए और उसको ग्राउंड कर दीजिए, और उसकी इसी लाइन को आप नोटिस करना, इसी लाइन को जोड़ दीजिएगा आपके बैटरी के BSI, मतलब अगर मैं बात करूँ ID की लाइन के साथ। सो बेसिकली इसमें क्या होता था, इंडिकेशन भी लोग कहते थे हो जाता है और ये बहुत अच्छा चलता है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ जो भी है, पर दोस्तों अब रियलिटी से कहीं पार है। फिर भी अगर आपके पास है तो इसको ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है या नहीं हुआ है या जो भी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसी टाइम पर चार्जिंग हो जाना एक अलग बात है और लॉन्ग टाइम चार्जिंग करना एक बहुत अलग बात है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको सर्किट बता दिया, अब हम नोटिस कीजिए लोगों ने किस तरीके से सर्किट को यूज़ किया हुआ है। पर इस सर्किट में उन्होंने बिल्कुल भी अगर बात करेंगे कि थर्मिस्टर का यूज़ नहीं किया, BSI का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, एक यहाँ पर LED भी होती थी, ये जलता रहता था। लोगों ने इस तरह से चार्जिंग सर्किट को यूज़ किया गया है, पर यहाँ पर सिर्फ यूज़ करने के लिए, वो आप नोटिस करो यहाँ पर, तो सिर्फ आप देखो तो इन दिया है और सिर्फ देखो तो आउट दिया है, और ये कॉमन ग्राउंड है जो आप कहीं पर भी PCB पर यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। और एक इसमें एक LED आती थी, और हद तो पार तब हुई है जब मैंने ये फोटो देखी और मैंने देखा ओ माय गॉड, iPhone में चार्जिंग सर्किट लगाया जा रहा है, कमाल है दुनिया, इतनी जुगाड़। एक IC लगाना निकालना सीख लेते, हाँ सर्किट नहीं बनाओ तो कम से कम टायर पंचर बनाने वाले तो बन जाते, लाओ IC निकालो लगाओ, लाओ IC निकालो लगाओ। तो इतना गेलापन, एक पूरे iPhone की बर्बादी, क्यों भैया मत करो प्लीज़ यार। सो दोस्तों ऐसा काम आप लोग बिल्कुल भी मत करना, ये सर्किट बिल्कुल फेल है, ये सर्किट बिल्कुल काम नहीं करता है, और मैं बिल्कुल बोलूँगा इस सर्किट पर बिल्कुल मत जाइएगा। चार्जिंग बनाना है तो चार्जिंग की सप्लाई को पढ़ो। मैं भी एक नहीं, मैं 5 नहीं, मैं 10 नहीं, मैं 15 नहीं, 20 पॉइंट आपको एक चार्जिंग सेक्शन में बताऊंगा, जिसमें आप चार्जिंग की फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, पर वो आपको क्लासेस में पता चलेंगी, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। सो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इजी चार्जिंग सर्किट का यूज़ करना ही है तो करके देखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको अपनी तरफ से एक चेतावनी ये दी है कि आप अपने सर्किट को आप तो बना लेंगे पर उसको 2 दिन बाद डेड जरूर करेंगे। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नई नेक्स्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?